अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे और पीबीए प्रैक्टिकल पेपर्स की आप तैयारी कर रहे होंगे। बहुत सारे पीबीए पेपर्स 9th क्लास और फर्स्ट ईयर के हमने अपलोड किए हुए हैं। अगर आप जस्ट उन पीबीए पेपर्स की तैयारी कर लेते हैं तो आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि 9th क्लास के स्टूडेंट्स जिन्होंने पीबीए पेपर्स तैयार किए थे ऑलमोस्ट फुल मार्क्स का पेपर जो है इन्हीं मॉडल पेपर्स में से था। तो इसलिए आपको भी ये सजेस्ट किया जाता है कि जो जितने पीबीए पेपर्स यहाँ फर्स्ट ईयर के अपलोड किए गए हैं, स्पेशली ज़्यादा जो हैं वो फिज़िक्स के हैं, कुछ केमिस्ट्री और कंप्यूटर के भी होंगे अपलोड किए हुए हैं, तो आप इनकी तैयारी करें। अब हम चलते हैं इस पीबीए पेपर की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है प्रैक्टिकल जिसको यहाँ पर सॉल्व किया गया है पीबीए मॉडल पेपर के तौर पर। क्वेश्चन 1 देखें। द फॉलोइंग ऑपरेटर्स इज यूज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जी बाई फ्री फॉल मैथड। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेरिमेंट। कहते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट को आप देख रहे हैं, इसको आप देखें, और ये बेसिकली फ्री फॉल मेथड के थ्रू जी की वैल्यू मालूम करने के लिए ये ऑपरेटर्स यूज़ किया गया है, इस मेथड को फॉलो किया गया है। कहते हैं कि आप जी की वैल्यू मालूम करें और नीचे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके आंसर्स भी दें। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स की तरफ। ए है राइट इक्वेशंस ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। फ्रीली फॉलिंग बॉडीज की आप इक्वेशंस लिखें। जब कोई बॉडी फ्रीली फॉल करता है तो उसकी जब हम इक्वेशन लिखते हैं तो क्योंकि वो अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी फॉल कर रहा है, इसलिए हम फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को ग्रेविटी के लिहाज से शो कराएंगे। इनिशियल वेलोसिटी वी है, सॉरी फाइनल वेलोसिटी वी है इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी यू प्लस ए टी लिखते हैं, ए की जगह पर जी आ गया। इसी तरह सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तो एस की जगह पर हाइट आ जाएगा एच, और इनिशियल वेलोसिटी को यहाँ यू से शो किया गया है, सो यू टी हाफ ए टी स्क्वायर की जगह पर यहाँ पर जी टी स्क्वायर बन जाएगा। थर्ड इक्वेशन को भी ऐसे ही, मतलब वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस टू जी एच इस तरह लिखें, या आप इस तरह लिख रहे हैं कि टू जी एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो भी ठीक है। तो ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशंस को ग्रेविटी के साथ रिप्लेस कर दिए। नेक्स्ट इज फाइंड द वेलोसिटी एंड हाइट आफ्टर 3 सेकंड्स। 3 सेकंड्स के बाद आपने वेलोसिटी और हाइट मालूम करनी है इस बॉल की। तो हम जानते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है जब बॉल को ड्रॉप करते हैं, तो सो जी की वैल्यू 10 है अर्थ केस में, और टाइम कितना है 3 सेकंड, सो 30 मीटर पर सेकंड। ये आ गई हमारे पास वेलोसिटी एंड हाइट। अब हमें हाइट देखनी है, तो हाइट देखने के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, टू जी एच इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर ग्रेविटी केस में। तो यहाँ पर देखें तो इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि 0 होती है और हमारे पास वी एफ की वैल्यू हमने मालूम की यहाँ पर 30 का स्क्वायर हो जाएगा, और एच आप उधर रहने दें, टू जी को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आप इन वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे, जी की वैल्यू अर्थ पर 10 लेकिन, तो हमारे पास हाइट आ जाएगी 45 मीटर। ओके, सी ऑप्शन देखें। इसमें कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ बॉल एट जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड एज फॉलिंग फ्रॉम हाइट ऑफ 45 मीटर। कहते हैं कि बॉल की वेलोसिटी क्या होगी अगर वो 45 मीटर हाइट से उसको नीचे ड्रॉप किया जाए। तो अब देखा जाए तो यहाँ पर एक किस्म की वेरिफिकेशन हो रही है इस क्वेश्चन में। वो क्या कि जो हमने ऊपर हाइट 45 मीटर मालूम की है उसमें फाइनल वेलोसिटी 30 हमने यूज़ की थी, तो यहाँ पर भी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी 30 ही आनी चाहिए क्योंकि हमने हाइट वही ली है, इसलिए। सो टू जी एच इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी को आप 0 पुट कर दें और वी एफ आप एक साइड पर करें, तो टू जी एच होल अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट के बाद 1/2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करें, जी की 10 और एच 45, तो हमारे पास वी एफ वही 30 मीटर पर सेकंड आ जाता है जो कि हमने ऊपर वाले पार्ट में यूज़ की थी, ठीक है। तो इस तरह ये हो गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो पेपर वगैरह था उसमें कुछ क्वेश्चंस और थे और यहाँ पर कुछ और हैं, तो आप इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं कर लेंगे।
डी पार्ट देखें, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसने इस पार्ट को समझ लिया समझो उसको पूरा प्रैक्टिकल समझ आ गया, पूरा पीवीए पेपर। अगर इस प्रैक्टिकल में से कोई क्वेश्चन आता है तो पीवीए पेपर में, तो उसका वो क्वेश्चन बहुत अच्छा जाना है। तो अब हम देखते हैं, आपने इसको थोड़ा गौर से समझना है। कहते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, ये जो टेबल बना हुआ है बेसिकली ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट को ही फॉलो करके बनाया गया है। तो आप ये देखें, इसमें कहते हैं इनिशियल पोजिशन ऑफ द बॉब, उसको हम एच वन से शो करते हैं। अब यहाँ डायग्राम में देखें तो डायग्राम में आपको ये मेटालिक बॉब नज़र आ रही है, ठीक है। अब इसकी जो पोजीशन है वो है 8 सेंटीमीटर, ये यानी कि यहाँ पर जो है बेसिकली ये जो आपको स्टैंड से नज़र आ रहा है, यहाँ पर एक स्केल है, उस स्केल के ऊपर यानी कि ऊपर से वैल्यू शुरू होती हैं और नीचे बॉटम तक आती हैं ये डॉट्स, ठीक है। तो आप यूँ समझें कि हमारे पास वो 0 से नीचे 8 तक ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ठीक है। एक स्केल लगा होता है, यहाँ पर डॉट्स लगी हुई हैं, डॉटेड लाइंस, तो यहाँ पर एक किस्म का स्केल होता है, ठीक है। तो उस स्केल से वैल्यू ये देखी हुई है, कहते हैं इनिशियल पोजीशन है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। अब इनिशियल पोजीशन 8 सेंटीमीटर है और हमने फाइनल पोजीशन ऑफ बॉब देखनी है, ठीक है, जो एच टू कहलाएगी, और वो 87 सेंटीमीटर लिखा गया है। अब ये बेसिकली 87 कैसे हो सकता है, इसका मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आपको R लिखा हुआ नज़र आ रहा है, आर डब्ल्यू, और यहाँ पर ये जो आपको एक स्टैंड सा नज़र आ रहा है जो अपनी मेन पोजीशन से डिस्प्लेस्ड हो चुका है, ठीक है, जो स्ट्रिंग के साथ अटैच्ड है, R जहाँ पर लिखा हुआ है, और ये ब्लू कलर का, ये ब्लूइश कलर का जो स्टैंड आपको नज़र आ रहा है, तो ये एज अ पेंडुलम यानी कि यहाँ पर एक्ट करता है, यानी कि वाइब्रेट करता है अराउंड मेन पोजीशन। तो यहाँ पर देखें तो ये इसकी पोजीशन M थी, ये डॉटेड लाइंस थी, इसको स्ट्रिंग की मदद से यहाँ से डिस्प्लेस किया गया है, ठीक है। अब इसके ऊपर एक यूँ समझें कि इसके ऊपर ना एक वाइट कागज़ लगा दिए, ठीक है, फुल के ऊपर एक वाइट कलर का रफली हम एक कोई पेज वगैरह लगा देंगे, ठीक है। अब जैसे ही आप ऊपर से बॉल ड्रॉप करेंगे, बॉल कैसे आप ड्रॉप करेंगे क्योंकि ये तो स्ट्रिंग के साथ अटैच्ड है, तो आप क्या करेंगे, एक कैंडल लेंगे, ठीक है, या कोई भी फ्लेम सोर्स। जैसे ही आप फ्लेम देंगे पी और क्यू के दरमियान स्ट्रिंग को, पी पॉइंट एंड क्यू पॉइंट के दरमियान आप स्ट्रिंग को जैसे ही हीट देंगे, तो ये यहाँ से जैसे ही बर्न होगी, तो बर्न होने से क्या होगा, उधर से बॉल फ्री हो जाएगी और उधर से ये जो ब्लू कलर का आपको रॉड नज़र आ रहा है ये भी फ्री हो जाएगा। अब जब बॉल नीचे गिर रही होगी तो इधर से इसके ऊपर, क्योंकि ब्लू कलर वाले के ऊपर एक हमने पेज लगाया होगा खुद ही वाइट कलर का, तो वो जैसे ही यहाँ मीन पर आएगा ऊपर से बॉल नीचे आके इसके साथ स्ट्राइक करेगी, ठीक है। तो जिस पॉइंट पर स्ट्राइक करेगी हम उस वैल्यू को नीचे जो स्केल लगा होगा उसके साथ कोरिस्पोंड करेंगे कि ये पॉइंट किस, कौन से थ्रेड के सामने, कौन सी लाइन के सामने आ रहे हैं, ठीक है। तो हम वो हमारे पास होगी फाइनल पोजीशन। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये बॉल कहाँ पर लगी है, पेज के ऊपर, पेज तो वाइट कलर का होगा, बॉल लगने से कोई निशान थोड़ी ना बन जाना है। तो उसका सलूशन है, आप बॉल के ऊपर क्या करेंगे, कोई यूँ समझें कि कोई कलर्ड लिक्विड लगा देंगे, कलर्ड लिक्विड लगाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही कलर्ड लिक्विड लगी हुई बॉल यहाँ से नीचे गिरेगी, तो इधर से ये रॉड जैसे ही फ्री होगा, ठीक है, उधर से जैसे ही आप फ्लेम लगाते हैं पी और क्यू के दरमियान स्ट्रिंग बर्न होगी, स्ट्रिंग बर्न होने से बॉल भी फ्री हो जाएगी और ये हमारे पास ये ब्लू कलर का रॉड भी फ्री हो जाएगा। इसके ऊपर वाइट पेपर होगा, उस वाइट पेपर के ऊपर क्या होगा, ये हमारे पास बॉल जब स्ट्राइक करेगी हम उस पॉइंट को कोरिस्पोंड करेंगे नीचे वाले स्केल के साथ, ये किस स्केल की किस रीडिंग के सामने आ रहे हैं, तो वहाँ से हमारे पास एच टू आ जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। इस तरह हमारे पास एच टू आ जाना है। अब एच टू हमारे पास फर्स्ट किया 87 आए, तो हमें हाइट देखनी है कि टोटल हाइट कितनी कवर हुई है, तो हाइट है 79। अब 79 हमारे पास हाइट आ चुकी है। अब T1 यानी कि टाइम नोट किया, क्योंकि जब आप उसको फ्री कर देते हैं बॉल नीचे गिर जाती है, उसके बाद वो जो ब्लू कलर का रॉड है वो ऑसिलेट करता रहता है बैक एंड फोर्थ, तो हमने फ़र्ज किया कि उसके 16 वाइब्रेशन तक हमने उसका टाइम नोट किया, तो T1 आया 26.4। इसी तरह फिर हमने दोबारा 16 वाइब्रेशन तक टाइम नोट किया, वो फिर 26.15 ये इसके करीब करीब आंसर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद उन्होंने कहा कि टाइम एवरेज फॉर 16 वाइब्रेशंस के लिए एवरेज टाइम मालूम करें, तो आपको एवरेज टाइम मालूम करने का फार्मूला आना चाहिए, वो आपको मालूम है T1 + T2 / 2 हो जाएगा, तो यहाँ से 26.14 आ गया। अब इसके बाद कहते हैं टाइम पीरियड मालूम करें। जब आपको टाइम पीरियड कहेंगे तो फार्मूला नहीं दिया होगा, ये जो चीज़ें आपको मालूम करने के लिए कह रहे हैं इन चीज़ों के फार्मूलाज पेपर में नहीं दिए होंगे, यहाँ से आपने खुद
डिसाइड करना है, खुद याद होना चाहिए कि ये चीज़ मालूम करने के लिए कौन सा फार्मूला अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये जो अब मैं बताने लगा हूँ। तो टाइम पीरियड जो है वो हमारे पास टाइम एवरेज डिवाइड बाई नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस यहाँ पर 16 है, कोई और भी हो सकते हैं, 10 वाइब्रेशंस भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, जितनी भी आपको कही जाएंगी मेंशन की जाएंगी आपने उस हिसाब से करना है। ठीक है, लेकिन पैटर्न यही होगा, 1.63 आ जाएगा टाइम एवरेज हमारे पास है। जी स्टूडेंट्स, टाइम पीरियड मालूम करने के बाद आप देखें टाइम ड्यूरिंग 1/4 पार्ट ऑफ वाइब्रेशन। अब अगर आप गौर करें तो ये जैसे ही यहाँ से रॉड ये जो आपको नज़र आ रहा है ये जब फ्री होगा तो ये आर से मूव करके फर्स्ट किया ये पॉइंट एम तक आया है, तो ये बेसिकली ऑसिलेशन का फोर्थ पार्ट होता है, एक वाइब्रेशन का चौथा हिस्सा उसने मुकम्मल किया है। तो इसी दौरान ही बॉल उसके साथ आके स्ट्राइक कर गई है, तो हमने इसका यानी कि यहाँ तक देखना है कितना टाइम कंज्यूम हुआ, तो टोटल टाइम का फोर्थ पार्ट कंज्यूम होगा, टोटल टाइम पीरियड का फोर्थ पार्ट। तो हमने क्या करना है यहाँ पर, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे के टाइम ड्यूरिंग 1/4 पार्ट ऑफ वाइब्रेशन, सो टी इज इक्वल टू टी बाई 4। सो यहाँ पर हमारे पास टी एवरेज वाला ये जो हमने टाइम पीरियड मालूम किया है ये टाइम पीरियड आ जाएगा, टाइम पीरियड हमारे पास 1.63 डिवाइडेड बाई करेंगे 4 तो 0.4075। अब इसी का आप स्केयर ले लेंगे तो 0.1665 हो जाएगा। उसके बाद आपने जी की वैल्यू देखनी है, तो जी की वैल्यू मालूम करने के लिए फार्मूला आता है आपने याद रखना है 2h डिवाइडेड बाई टी स्केयर। अब यहाँ पर हमसे आंसर पूछा है उन्होंने मीटर पर सेकंड स्केयर में, लेकिन हमारे पास एच जो है जो हमने मालूम किया वो है सेंटीमीटर में, 79 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपने ये इस एच को मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.79 आ जाएगा, 2 को 0.79 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड कर दें, टी स्केयर है तो टी स्केयर हमारे पास क्या है 0.1665, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 9.48 मीटर पर सेकेंड स्केयर आ जाएगा। अब ये पॉइंट अगर आपको समझ आ गया है तो ये जो नीचे वाले दूसरी रीडिंग है इसको आप खुद परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। ओके, जैसा कि यहाँ पर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशंस दी हुई हैं, आप एच मालूम करें, फिर एवरेज टाइम मालूम करें, T1 और T2 दिए हुए हैं, फिर टाइम पीरियड मालूम करें, लेकिन आपने फार्मूलाज को नहीं देखना कि कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है, फार्मूलाज आपने खुद याद रखने हैं और खुद से प्रैक्टिस करें, क्योंकि फार्मूलाज नहीं दिए होंगे, फार्मूलाज आपको खुद को आने चाहिए। अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन है जी इज इक्वल टू एच बाई टी स्केयर, ये फार्मूला जो अप्लाई किया है कहते हैं आप ये ड्राइव करें, तो हम ये जब ड्राइव करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिकली इसकी डेरिवेशन देखें हम इसमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से ये ड्राइव होगा, क्योंकि एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर है, सेकंड इक्वेशन ग्रेविटी केस में हमारे पास अब बन जाएगी एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्केयर। इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि जीरो होती है जब बॉडी को हम हाइट से ड्रॉप करते हैं तो वो जीरो पुट की, तो हमारे पास इक्वेशन रिड्यूस होके जी इज इक्वल टू 2h बाई टी स्केयर। ये बन कौन से हो सकते हैं, उनमें है जी, उनके नाम आप सुन लें, उनमें एक स्क्रू गेज वाला, वर्नियर कैलिपर, फ्री फॉलिंग मेथड के थ्रू जी की वैल्यू मालूम करना, एक तो प्रैक्टिकल पेपर यहाँ सॉल्व किया है और दूसरा जो है एक और वीडियो में भी है, आप उसको भी देख लेना। दो मेथड्स के थ्रू इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया जाता है, एक पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम के तो 2-3 प्रैक्टिकल्स की वीडियोज़ अब PBA पेपर्स की वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं, हुक्स लॉ इसका भी PBA पेपर अपलोडेड है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स इस पर भी अपलोडेड है, टेंशन मालूम करना स्ट्रिंग के अंदर जब 2 या 3 मैसेज स्ट्रिंग के साथ अटैच्ड हों, ठीक है, तो इसका PBA पेपर भी अपलोडेड है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी तरह स्टेशनरी वेव्स का बनना जब आप केसेस देखते हैं, वन एंड ऑफ पाइप इज़ क्लोज्ड एंड अदर एंड इज़ ओपन और बोथ एंड्स आर ओपन, इस तरह के दो केसेस, तो इस तरह का भी PBA पेपर में क्वेश्चन हो सकता है, तो ये PBA पेपर भी अपलोडेड हैं। तो इस तरह जो है आप इन PBA पेपर्स की तैयारी कर लें, उम्मीद है आपका PBA पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा।